Station. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पीति टूर के सेकंड एपिसोड में। दोस्तों, सेकंड नाइट हम रुके रिकोंगपियो में और सुबह जब हम उठे तो बाहर का नज़ारा प्रकृति की असीम सुंदरता को बयान कर रहा था और हमने इसी असीम सुंदरता को निहारते हुए होटल की छत पर बैठकर चाय का आनंद लिया। आज हम आपको बाइकर से रिलेटेड एक अनोखी बात बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं बाइकर्स का कमरा। जब वो टूर पे आते हैं, वैसे देखने में तो लगता है उनके पास थोड़े सामान है, जब वो कमरे में आते हैं तो आपको दिखाते हैं उनका कमरा कैसा होता है। और ये टिपिकली हर राइडर के साथ ऐसा ही होता है। ये हमारे राइडर भाई साहब, ये हेलमेट पड़ी हुई है, उधर जैकेट्स पड़े हुए हैं, इधर बैग पड़ा हुआ है, जगह कम पड़ गई, बेड पे भी सामान पड़ा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सामान ना हो। रात को लेट पहुँचे, सामान फेंका, खाना खाया, सो गए। अब ये नहीं समझ आ रहा है इसको पैक कैसे करें और फिर से बाइक में बांधे कैसे। सो आफ्टर हेक्टिक डे यस्टरडे एंड वी स्टेड इन जीवन ज्योति होटल एंड आज का प्लान पंकज जी बताएंगे। क्या प्लान है पंकज जी? प्लान है हमारा, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा मड विलेज की तरफ। मड विलेज होते हुए कहाँ जा रहे हैं? मड विलेज होते हुए पिन वैली से, और उसके बाद नाको ड्यू मिनिस्ट्री होते हुए काजा। हिल्स के अंदर ना करीब जो है आप 30 से फालतू की एवरेज स्पीड नहीं आ पाती। वैसे एक अच्छी बात यह है कि रोड्स बहुत ही बढ़िया है, यू कैन ड्राइव। रामपुर के बाद रोड बहुत ही अच्छी है, हम लोग 70-80 की स्पीड में आ रहे हैं। सबसे बेस्ट रोड है इस समय पहाड़ी का। आज की शुरुआत करेंगे हम कल्पा से और हम जाएंगे कल्पा के सुसाइड पॉइंट जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये है जी सुसाइड पॉइंट कल्पा का। ये देखिए यहाँ पे वैली दिखाते हैं आपको, यहाँ पर नीचे एकदम, ये देखो नीचे का। पता नहीं लोग सुसाइड करने के लिए इतने ऊपर क्यों आते हैं। पहाड़ पे तो कहीं से भी कूद जाओ ही वहीं से सुसाइड पॉइंट बन जाते हैं। आमतौर पर हर एक पहाड़ी एरिया में एक सुसाइड पॉइंट आपको मिल ही जाएगा जी। है ठीक बात है ना? बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सीधी गहराई है। यहाँ पर देखो नीचे नदी भी बह रही है, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ से। अगर किन्नर कैलाश यात्रा भी किन्नौर के तंगलिंग गांव से शुरू होती है जो कि इस यात्रा का बेस कैंप है। ये यात्रा 14 किलोमीटर लंबी और काफ़ी डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम रिकोंगपियो से जा रहे हैं काजा की तरफ। ये पहाड़ में अभी आपको हरियाली नज़र आ रही है, ये हिमाचल में, और किन्नौर तक हरियाली। अब धीरे धीरे हम जैसे स्पीति की तरफ बढ़ेंगे तो आपको गंजे पहाड़ देखने शुरू हो जाएंगे। देखिए अब थोड़े आगे आप देखेंगे ये पहाड़ में हरियाली धीरे धीरे, इस साइड हरियाली ऐसे ही कम हो गई, इसमें हरियाली कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं जैसे धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे गंजे पहाड़ आ जाएंगे और ये हरियाली पीछे ख़त्म होती जाएगी क्योंकि आगे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इसलिए जो पहाड़ है गंजे रहते हैं बैरन। तो अब आपको हम आगे मिलते हैं। ये देखिए ये ब्यूटीफुल झरना आ रहा है, ये कौन सी ओर से निकलते ही आप जो है झरना निकल रहा है, ये देखो सामने क्या बढ़िया झरना आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ों का कलर और फॉर्मेशन धीरे धीरे बदलता जाता है। यहाँ ये आपको मिट्टी टाइप के पहाड़ नजर आ रहे हैं। रास्ते में जगह जगह पहाड़ों से पानी के खूबसूरत झरने बहते हुए मिलते हैं जो आपको कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। पोस्ट है किन्नौर से आउट करने का आपका, जैसे किन्नौर में एंट्री के टाइम पर आपकी एंट्री हुई थी किन्नौर में, तो इसी तरह चेकआउट भी है। तो यहाँ भी आपको एंट्री करानी पड़ेगी किन्नौर से निकलते हुए।
की राइडिंग के बाद थोड़ा थक गए हैं, तो हम चाय पीने के लिए रुके यहाँ पर, चाय पीते हैं यहाँ पर। चलो जी चाय पीते हैं, बैठ कर जाए। हाँ, पुहू पार करके अब हम पहुँच गए हैं खाब। यहाँ सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का संगम होता है। अभी तक हम सतलुज रिवर के साथ साथ चल रहे थे और यहाँ सामने से स्पीति रिवर आकर इस सतलुज रिवर के साथ मिल जाती है। यहाँ रुककर हम दो पहाड़ों के बीच से जाते हुए इस सड़क को निहारने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों के बीच में से सुरंग बना रखी हो। ये पल हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में शामिल हो गए और इन पलों को हम अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। हमें रास्ते में बहुत से बाइकर्स के ग्रुप मिले जो स्पीति जा रहे थे। यहाँ भी कुछ बाइकर्स के ग्रुप है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए हुए हैं। मन तो नहीं कर रहा था आगे जाने का, मगर और खूबसूरत नज़ारों की आशा लिए 10-15 मिनट यहाँ रुककर हम आगे बढ़ गए। खाब से आगे बढ़े तो धीरे धीरे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगे। रोड बहुत ही शानदार और हेयरपिन शेप में थे। इस रोड को कजिक्स लूप कहा जाता है। जिगजैग रोड से होते हुए हम पहाड़ की चोटी पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं और नीचे का रोड एक रेंगते हुए सांप की तरह नज़र आता है। दूर दूर तक सड़क पर एक दो व्हीकल ही नज़र आ रहे थे। यहाँ की शांति मन को एक अलग ही सुकून प्रदान कर रही थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर रंग बदलती प्रकृति हर पल हमारे मन को मोहित कर रही थी। आकाश में कभी सफ़ेद बादल तो कभी नीला आसमान, प्रकृति का ऐसा रूप हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में शुमार हो गया। थोड़ी देर यहाँ रुककर हम इस लूप की सुंदरता को भी अपने कैमरे में कैद करने लगे। खाब के बाद रोड बहुत ही शानदार बने हैं। कजिक्स लूप से आगे जाने पर रोड पर पत्थर गिरे होने की वजह से हमें रोड ब्लॉक मिला। वीआरओ की मशीन रोड साफ कर रही थी। रोड क्लियर होने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। इस समय हम पहाड़ की चोटी पर थे और यहाँ से चारों तरफ की पहाड़ियाँ और घाटियों का बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा था। लाखों पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और हमारी बाइक्स में पेट्रोल भी रिजर्व में पहुँच चुका था। रिकॉन्पियो से नाको तक हमें कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिला
किसी ने बताया कि नाको में प्राइवेट डीलर्स के प्रीमियम पर पेट्रोल मिल जाएगा। तो हम पेट्रोल लेने के लिए यहाँ रुके। धीरे धीरे अंधेरा हो चला था और हमने नाइट्स यहीं स्टे करने का फैसला किया। बताइए जी, आपके आज के क्या एक्सपीरियंस आपका? आज का दिन वैसे बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन अपने लाइफ की एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही। आज हमने हेवन भी देखा और हेल भी देखा। हेवन इन टर्म्स ऑफ वंडरफुल रोड्स, हेल इन टर्म्स ऑफ अगेन वर्स्ट रोड इन माय लाइफ। सो कभी बद्री पे चला रहते हैं, कभी रेते पे चला रहते हैं, कभी स्टोन चिप्स पे चला रहते हैं, और धूल तो पूछो ही मत। नहा लिया था आगे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो ऐसे ही उड़ा रहती हैं हमारे ऊपर जैसे फूलों का बौछार कर रही हो। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नाको मोनेस्ट्री, और हमारे साथ है हमारे गाइड मिस्टर जोंटी भाई। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, क्या बात है। तो अब हम आपको लेकर के आए नाको मोनेस्ट्री में, तो दिखाते हैं आपको यहाँ पर नाको जो मोनेस्ट्री है, दो मोनेस्ट्री है। एक ओल्ड मोनेस्ट्री जो मेरे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इस साइड में ये आपको ओल्ड मोनेस्ट्री है, और एक 2007 में बनी है जो कि नई मोनेस्ट्री बनी है 2007 के अंदर। ये राइट साइड में मेरे देख रहे हैं आप, ये न्यू मोनेस्ट्री है। जो ये ओल्ड मोनेस्ट्री ये 17वीं शताब्दी की है, ठीक 11वीं शताब्दी की, सॉरी 17वीं 11वीं शताब्दी की, काफ़ी ओल्ड है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रेस्ट हाउस है, जो लामाज आते हैं, लामा आते हैं जो वहाँ पर स्टे करते हैं, जो दलाई लामा वगैरह। और एक यहाँ पर म्यूजियम भी है जो कि इस समय बंद पड़ा हुआ है, काम चल रहा है जिस वजह से म्यूजियम बंद पड़ा हुआ है। तो हमारे साथ है जोंटी ब्रो, ये आपको बताएंगे नाको काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो ये हिमालय की बताते हैं कि ट्रैकिंग के लिए बेस कैंप बनाया जाता है ना? हाँ जी। तो कौन सा रेंज है यहाँ पर जहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं यहाँ पर, मतलब कि क्लाइंबिंग वगैरह का कुछ? एक रियो प्रग्याल कहाँ पर है वो? यहाँ से जो ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ से बेस कैंप जो है हमारे यहाँ से जो है लगभग 1 किलोमीटर आगे जो है बेस कैंप पड़ता है ट्रैकिंग के लिए। हाँ जी। अच्छा, तो काफ़ी शांत एरिया है, अच्छा एरिया है, और आपको स्टे के लिए होम स्टे यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारे जोंटी जी का है होम स्टे, बहुत अच्छा है, हम इनके रेजिडेंस में रह रहे हैं। काफ़ी स्पेसियस भी है वहाँ पर, तो फैसिलिटी भी अच्छी है, नया कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। हॉस्पिटैलिटी खासकर हमारी लोगों की बहुत पसंद आई। आपको इनका नंबर शेयर करेंगे, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और फ़ोन पर भी बुकिंग कर सकते हैं आप इनके रूम के लिए ना। 20-25 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं ना? एकोमोडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। हम आपको इनका रूम भी दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा स्पेसियस रूम है और क्लीन, नीट एंड क्लीन है, जगह भी अच्छी है। आपको नाको का एंट्रेंस थोड़ा अंदर जाने के बाद आपको इनके जो रेस्ट हाउस तक पहुंचेंगे आप, होम स्टे तक। कोई आप बताएंगे आपका क्या नाम है? अपना होम स्टे अपना नंबर भी बता दीजिए। नंबर 78764-62-69-62-69 ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप बुकिंग कराना चाहें तो आप फोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे, तो ये आपकी बुकिंग कर लेंगे। तो हम चल रहे हैं, पहले दिखाते हैं आपको नाको की ओल्ड मोनेस्ट्री। यहाँ दो मोनेस्ट्री बनी है, ये बता रहे हैं, एक तो ये ओल्ड मोनेस्ट्री है दिस वन, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो न्यू मोनेस्ट्री बनाई गई है अभी उस टाइम पहले 10 साल पहले। तो आइए चलते, पहले देखते हैं ओल्ड मोनेस्ट्री। ये मेडिटेशन रूम है, पूजा लामा जी का है, पूजा पाठ। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। ये क्या चीज़ है? इधर ये पूजा घर सारे गुंपा है। और ये आप जो खोल रहे हैं क्या है? यहाँ भी गुंपा है, गुंपा है। अच्छा, काफी पुराना है, खोल रहे हैं। इसमें चल रहा है, चलता रहा, लेकिन अंदर फोकस। ये भी गुंपा है, ये मोनेस्ट्री का गुंपा है। गुंपा इज बेसिकली वेयर भगवान रहते हैं, और वर्शिप प्लेस होता है, लेकिन ये होल्ड नहीं है।
न्यू मॉनेस्ट्री में। अच्छा न्यू मॉनेस्ट्री चाबी लेना। हां चाबी लेओ चले। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव का एक व्यू। इस गांव में आपको होम स्टे के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए। और ये है होम स्टे जहां हम रुके हैं, इसका नाम है तांगाज हाउस। यहाँ नीचे जो ओनर्स की फैमिली रहती है और फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने होम स्टे की फैसिलिटी बना रखी है। एक कमरा इधर, बहुत ही बढ़िया कमरा है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और सबसे अच्छी बात है बाथरूम बहुत क्लीन है। ये चाय एंड हॉट वाटर, 24 आवर्स हॉट वाटर अवेलेबल है। इन्होंने सोलर वाटर हीटर रखा हुआ है, काफ़ी गर्म पानी आता है, काफ़ी अच्छा है। सामान बिखरा हुआ है, राइडर्स के सामान ऐसे ही बिखरे होते हैं। और ये एक्स्ट्रा बेडिंग हमने लगाया था, काफ़ी अच्छा बेड है इनका। एंड सिटिंग एरिया भी अच्छा है, सिटिंग एरिया बढ़िया है। और इन्होंने एक कंबल और एक रजाई दी थी हमें। और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ ये इनकी बालकनी, काफ़ी बैठ सकते हैं शाम में अगर बैठना हो, चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स बैठ के आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है ये इनके खेत हैं, इसी में सब्जियां उगाई जाती हैं और यही फ्रेश सब्जियां आपको खिलाते हैं ये। तो रात को हमने स्टे किया, हमने नाको विलेज के अंदर। प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ गया था हमें सिचुएशन को देखते हुए। रोड तो बहुत ही अच्छी थी बट आगे आके नाको के आसपास आके, नाको से लगभग 10 किलोमीटर पहले तो एक जगह पर क्या क्या है, पत्थर, पत्थर गिरे हुए थे। तो उसको रोड को ब्लॉक करके पत्थर वगैरह रिमूव किए जा रहे थे ताकि आने जाने के लिए रास्ता बना जाए। तो उसमें हमारे को 1 घंटे का डिले हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक को रोका हुआ था, 1.5 घंटे का समय एक घंटा वेस्ट हो गया। उसके बाद हम आगे चले तो आगे कच्चा रोड था सारा, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा, बनाया जा रहा भी नया। तो कच्चा रोड पर हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई चलने में, आपको मतलब 20 की एवरेज लगा लो आप, इतने चल सकते हैं। अगर आप आगे आए तो रिकोंगपियो में अपनी व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल जरूर फुल करें, क्योंकि उसके बाद रिकोंगपियो के बाद आपको सिर्फ काजा के अंदर पेट्रोल पंप मिलेगा, ऑन द वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। रास्ते में आपको डीलर्स मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप नहीं है बट यहाँ पे प्राइवेट डीलर्स है, शॉपकीपर्स है जो कि पेट्रोल देते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं, आपकी मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ। लेकिन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। हमें भी किसी ने बताया कि आपको जैसे पेट्रोल की कमी है तो आप नाको विलेज में जाइए और वहाँ पर आपको प्राइवेट जो डीलर्स हैं शॉपकीपर्स हैं वो प्रीमियम पे आपको पेट्रोल दे देंगे। तो हमारा क्योंकि अब रिजर्व में लगभग लगने वाली थी गाड़ी, तो हमने नाको में प्राइवेट जो शॉपकीपर है वहाँ से पेट्रोल लिए, प्रीमियम पे दिया, फिर ठीक है काम हो गया। हाँ ठीक है। उसके बाद बिल्कुल शाम होने लग गई, 6 बज गए थे लगभग, ठंडी अंधेरा हुआ, अंधेरा भी हुआ, ठंड बढ़ गई एकदम, वो ठंडी ठंडी हवा एकदम आ रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, चिलिंग हो गया था। अंधेरा भी क्या की नाको में बिल्कुल नाको में बेसिकली होम स्टे बहुत है, छोटा सा गाँव है, 800-900 लोगों का पॉपुलेशन है एंड मेनली बुद्धिस्ट लोग है यहाँ पे। तो एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू से डिले होता गया पहले दिन से ही, और हम डिले होते जा रहे हैं, हमारे को शेड्यूल करना पड़ता है, जहाँ हम चाहते कि पहुँचे वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। तो कल हमारा प्रोग्राम था कि हम पिन वैली तक पहुँचेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे को रुकना पड़ा अपना यहाँ पे नाको में। और आज भी प्रोग्राम देखो अनसर्टेन लग रहा है कुछ, क्योंकि वन ऑफ आवर कोशिश यही रहेगी मेंबर काजा तक पहुँच जाए हम। हाँ। और जो मॉनेस्ट्री है, क्यू मॉनेस्ट्री हो गया, उसको कवर करने के हम आज ट्राई करेंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते कि कितना हम, क्योंकि अभी हमारे एक मेंबर को थोड़ा इलनेस फील कर रहे हैं, इज नॉट फीलिंग वेल, आई थिंक ऑक्सीजन की भी कमी है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ से आपको थोड़ी ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, थोड़ा धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो रहे हैं, आई थिंक अभी वो ठीक हो जाएंगे, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अभी उनको हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा वो बेटर फील करें, तो हम आगे की कंटिन्यू करेंगे फिर जर्नी, और देखते फिर कहाँ जाएंगे उसके हम, कहाँ तक पहुँचते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही हम फिर स्टे करेंगे,
वैसे आज हम चाह रहे कि हम काजे में स्टे करें और दो तीन बीच में मोनेस्ट्री पड़ेगी उसको हम कवर करना चाह रहे हैं आज।